कभी बस कंडक्टर थे जॉनी वॉकर, इत्तेफाक से मिला था फिल्मों में काम। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। जॉनी वॉकर बॉलीवुड के सबसे धाकड़ कॉमेडियन के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने कई सारी फिल्मों में कॉमेडी की और कई पीढ़ियों के दर्शकों को अपने अभिनय, डायलॉग डिलीवरी और शानदार कॉमिक टाइमिंग से एंटरटेन किया। जॉनी का असली नाम बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। वो पेशे से बस कंडक्टर थे, मगर एक इत्तेफाक से उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला। उन्होंने उस ऑफर का फायदा उठाया और लोगों का भरोसा बनाए रखा। जॉनी वॉकर के जन्मदिन पर बता रहे हैं कैसे हुई थी इस मजेदार शख्सियत की फिल्मों में एंट्री। जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1926 को इंदौर में हुआ था। दरअसल जॉनी वॉकर बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट बस सर्विस में काम करते थे। काफी सालों तक उन्होंने काम किया। एक दफा दिग्गज एक्टर बलराज साहनी की नज़र जॉनी पर पड़ी। जॉनी वॉकर बस में सफर करते वक्त लोगों का काफी मनोरंजन करते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उस समय भी बहुत ही तगड़ा था। एक दफा बलराज साहनी ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। वो इस दौरान गुरुदत्त की फिल्म बाजी लिख रहे थे। इसके बाद साहनी ने जॉनी को गुरुदत्त से परिचित करवाया। दत्त साहब को भी जॉनी भा गए। फिर क्या था, फिल्म में उनके लिए एक किरदार घड़ा गया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। करियर की बात करें तो उन्हें मधुमती फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें शिखर फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से भी नवाजा गया। 1997 में आई कमल हसन की फिल्म चाची 420 में भी वो नजर आए थे। 29 जुलाई 2003 को मुंबई में उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।